गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ, जिसमें अपन लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको अपन को बताना है वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, उसका रीज़न भी देना है। ठीक है, रीज़न मैं आपके लिए ओरली दूंगा। ठीक है, आंसर में बस मैं ट्रू एंड फॉल्स लिखूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। और ट्रू क्यों होगा, उसका मैं रीज़न भी दे रहा हूँ, क्योंकि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कैसा होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसीलिए एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर ही आता है इरेशनल नंबर, इसीलिए क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड पर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ऑफ एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो अपन को बताना है कि अगर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो भी पॉइंट होता है वो अंडर रूट एम के फॉर्म में होता है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों? इसीलिए होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर का अगर अपन रूट निकालेंगे तो वो कभी आता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब आते हैं अपन थर्ड पर। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है इधर, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों होगा? एवरी रियल नंबर, अभी मैंने बताया था रियल नंबर किसका कॉम्बिनेशन होता है? रैशनल का और इरेशनल का, मतलब वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है क्या? नहीं होता, वो रियल नंबर भी रैशनल नंबर भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों को एग्जाम में अगर आता है तो ओनली ट्रू फॉल्स लिखना है, रीजन नहीं देना है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ट्रू, सेकंड फॉल्स एंड थर्ड वन इज फॉल्स। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।